प्रेस्टीज स्विस V4 इंडक्शन। दोस्तों भर भर के फीचर्स दिए गए हैं इस प्रोडक्ट में। तो प्रेशर कुकर की जो व्हिसल है वो काउंट करके ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। वॉल में कहीं पे हैंग भी करके रख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज को मतलब एडजस्ट इसके मुताबिक ये कर लेगा। देखिए ये ऑटो ऑप्शन में चला गया है। प्रेशर कुकर की एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ प्रेशर कुकर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। प्रेशर कुकर अगर आप लोग यूज नहीं करोगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। 5 दिखा रहे मतलब ये अभी 5 मिनट काउंट नहीं करेगा। ये काउंट करेगा तब जब प्रेशर कुकर में एक व्हिसल आएगा। कृपया आप मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ कीजिए क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो मातृभाषा है वो है बंगाली। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में बता पाऊँ। तो दोस्तों 2024 ऑल न्यू फीचर्स के साथ प्रेस्टीज स्विस V4 इंडक्शन। दोस्तों भर भर के फीचर्स दिए गए हैं इस प्रोडक्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे क्वालिटी है, कैसे परफॉर्मेंस है, इसमें कितने दिन वारंटी दिया गया, आफ्टर वारंटी इसको आप लोग कैसे सर्विस कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी मैं आज इसी वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं सुशांत, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ जो बेल आइकन है आप उसे भी थोड़ा प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही होम एंड किचन रिलेटेड बहुत सारी आइटम का रिव्यू वीडियो में बनाते रहता हूँ। दोस्तों एक बात तो है कि कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हर एक नॉलेज एकदम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये है प्रोडक्ट की बॉक्स। बॉक्स में आप लोगों के एक मेन यूनिट और उसके साथ एक यूजर मैनुअल कम वारंटी कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। दोस्तों ये है प्रोडक्ट की बॉक्स। बॉक्स के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये है मेड इन इंडिया, और इस प्रोडक्ट में जो MRP रखा गया है वो है 5995, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप लोग तकरीबन 4200-4400-500 के बीच इजिली बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट का परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ के रखा है, अगर आप लोग चाहो तो वहां से बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप लोग 400 से मतलब मिनिमम 400 और मैक्सिमम 2000 वाट में इसको यूज कर सकते हो। इसके ऊपर ये जो प्लेट दिया गया है ये है माइक्रो क्रिस्टल ग्लास प्लेट। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो प्लेट है ये सिंगल पीस में आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है। जॉइंट रहने से क्या होता है कि कभी कभी इसके ऊपर अगर पानी गिर गया तो पानी अंदर जाने का चांसेस भी रहता है। नीचे ये जो पोर्शन है ये है कंट्रोल पैनल। दोस्तों ये जो इंडक्शन है फुल स्किन टच आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, और फुल एकदम ब्लैक कलर में ही आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ही रख के आप लोगों को बर्तन गर्म करना है। दोस्तों यहाँ पे प्रेस्टीज का ब्रांडिंग, यहाँ पे देखिए स्विच V4 लिखा गया है। दोस्तों ओवरऑल लुक तो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 11.5 इंच, और इसका जो लंबाई है वो है 15 इंच। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का वजन जो है वो है 2 किलो 250 ग्राम। दोस्तों ये है प्रोडक्ट की पीछे की लुक, फुल ब्लैक जैसे कि मैंने आपको कहा। अच्छा खासा मोटा प्लास्टिक बॉडी यहाँ पे दिया गया है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एयर इनलेट फैन दिया गया है जिससे क्या है कि बाहर की जो ठंडी हवा है इसके अंदर पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीनों साइड पे वेंट किया गया है, ये है एयर आउटलेट वेंट, मतलब अंदर का जो गर्म हवा इसके थ्रू ही बाहर निकलेगा। यहाँ पे छोटा छोटा चार रबर पैड दिया गया है जिससे ये बेहतर बैठ जाए, मतलब स्लिप ना हो। इस प्रोडक्ट में आप लोगों को एक अच्छा खासा मोटा वायर दिया गया है जिसका लेंथ है ऑलमोस्ट 53 इंच, और इसमें आप लोगों को 6 एम्पियर 3 पिन प्लग भी दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आते हैं एक एक करके इस प्रोडक्ट में दिए गए फीचर्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो प्रोडक्ट है इसमें ऑटोमेटिक व्हिसल काउंट सिस्टम दिया गया है, मतलब इसमें आप लोग जब प्रेशर कुकर रख के कुक करोगे कुछ भी आइटम तो प्रेशर कुकर की जो व्हिसल है वो काउंट करके ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। आप लोग प्रेशर कुकर का जो व्हिसल है वो 1 से 15 तक फिट कर सकते हो। बंद हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली कीप वार्म कंडीशन में चला जाएगा, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों फीचर नंबर 2, कन्वीनियंट कॉर्ड वाइंडिंग, मतलब इस इंडक्शन में देखे यहाँ पे चारों साइड में जगह किया गया है। ये जो वायर है इसको आप लोग ऐसे इसको ऐसे देके आप लोग रख सकते हो, और उसके साथ नंबर
तीन फीचर्स इजी हैंगिंग, मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए एक जगह किया गया है, अगर आप लोग चाहो तो इस इंडक्शन को आप लोग वॉल में कहीं पे हैंग भी करके रख सकते हो। दोस्तों नंबर फोर फीचर की बारे में बात करें तो इसमें देखिए इंडियन फूड मेनू दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों नंबर फाइव फीचर्स यहाँ पे जो दिया गया है वो है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपके घर में वोल्टेज कभी भी अप डाउन हो रहा है तो इसमें ये फंक्शन दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज को मतलब एडजस्ट इसके मुताबिक ये कर लेगा। और दोस्तों नंबर सिक्स फीचर्स की अगर बारे में बात करें तो इसमें एंटी मैग्नेटिक वॉल दिया गया है, मतलब इसमें अगर आप लोग जो भी पॉट यूज करोगे, आप लोग समझ लो ये पॉट इसमें मतलब ये कराई इसमें यूज करोगे, तो ये कराई का जो डायमीटर है नीचे का बेस का जो डायमीटर, ये उसी डायमीटर तक ये प्लेट गर्म होगा, उससे ज्यादा ये प्लेट गर्म नहीं होगा। और दोस्तों नंबर सेवन जो फीचर्स इसमें दिया गया है वो है पावर सेवर टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही कूल है। जो पॉट इसमें यूज कर रहे हो उस पॉट का बेस का डायमीटर कितना है, मतलब अगर छोटा कोई पॉट इसमें यूज कर रहे हो तो उसका जो डायमीटर है वो छोटा रहेगा, अगर बड़ा कोई पॉट यूज कर रहे हो तो उसका डायमीटर बेस का जो डायमीटर है एक्चुअली ये वाला वो बड़ा रहेगा, उसी को डिटेक्ट करके ये वाटेज सप्लाई करता रहेगा। अगर छोटा रहेगा कम वाटेज सप्लाई करेगा, अगर बड़ा रहेगा तो ज्यादा वाटेज सप्लाई करेगा, जिससे क्या है क्या आप लोगों को इलेक्ट्रिक का जो बिल है उसमें भी थोड़ा बचत होगा। नंबर एट फीचर्स इसमें दिया गया है कीप वार्म कंडीशन। खाना बन जाने के बाद इंडक्शन वो बर्तन को कीप वार्म कंडीशन में मतलब 60 से 70 डिग्री तक गर्म करता रहेगा, जिससे क्या है कि अगर आप लोग चाहो कि एक घंटा या आधा घंटा के बाद आप लोग खाओगे वो खाना गर्म ही रहेगा। नाइन्थ फीचर्स इसमें दिया गया है वो है एक्सटेंडेड कूलिंग सिस्टम, मतलब इसके पीछे यहाँ पे देखिए ये जो फैन दिया गया है, बाकी इंडक्शन में क्या है कि एक दो मिनट चलने के बाद ही ये फैन ऑफ हो जाता है, ठीक है, खाना बन जाने के बाद ये फैन थोड़ा ज्यादा टाइम तक घूमता रहेगा, मतलब 5 से 10 मिनट तक ये घूमेगा। फैन अगर ज्यादा घूमेगा तो क्या है कि इसके अंदर में जो बोर्ड दिया गया है वो ज्यादा उसको कूल कर सकेगा। और दोस्तों एकदम लास्ट 10th जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं वो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ, मतलब खाना बन जाने के बाद इससे इसमें से आप लोग बर्तन उतार के नीचे रख दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसमें कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। इंडक्शन के बारे में कुछ कुछ चीज एकदम ध्यान में रखना है, जैसा इसको आप लोग कभी भी बिस्तर में यूज नहीं करोगे, हार्ड सरफेस पे रख के ही यूज करोगे, जहां पे इसको यूज करोगे वो जगह थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए क्योंकि हवा को अंदर और बाहर जाने का रास्ता देना पड़ेगा। कभी भी कोई भी इंडक्शन आप लोग जो मार्केट में सस्ता वाला एक्सटेंशन मिलता है वो एक्सटेंशन में इसको यूज नहीं करोगे, मतलब ये जो कॉर्ड है इसको आप लोग एक्सटेंशन में डाल के यूज नहीं करोगे क्योंकि वहां पे उसका वायरिंग ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अगर आपके पास कोई भी अच्छा खासा एक्सटेंशन है जिसका वायरिंग अच्छी तरह से किया गया है वहां पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। कभी भी जब इंडक्शन ऑन रहे इंडक्शन के ऊपर चम्मच वम्मच आप लोग रखिएगा मत, क्योंकि इंडक्शन ऑन रहने से वो चम्मच एकदम गर्म होकर लाल हो जाएगा। और दोस्तों उसके साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुछ भारी सामान इस पे ना गिरे, अगर गिर के ये बॉडी मतलब ये जो प्लेट है क्रैक हो गया तो उसमें आपका भारी नुकसान हो सकता है, 800 से 1200 रुपए आपको खर्च करना पड़ सकता है। और दोस्तों कभी भी आप लोग इंडक्शन के ऊपर या बर्तन के नीचे पेपर देके यूज करने की कोशिश मत करना, और खाना बन जाने के बाद कभी भी आप लोग ये जो बीच का हिस्सा है इसको टच मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। छोटा बच्चा अगर आप लोगों के घर में है तो उससे थोड़ा इस सब को दूरी रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग कोशिश करोगे जब इसमें खाना आप लोग कुक करोगे तो खाना ओवरफ्लो होके इसके ऊपर ना गिरे, अगर गिर जाएगा तो आप तुरंत इसको क्लीन कर देगा। और दोस्तों खाना बन जाने के बाद आप लोग स्विच ऑफ करके प्लग नहीं निकालोगे, जब तक ये फैन ऑटोमेटिकली बंद ना हो तब तक आप इसको स्विच ऑफ मत करोगे, फैन 2-4 मिनट चलने के बाद बंद हो जाएगा और उसके बाद आप लोग इसको स्विच ऑफ करके प्लग निकाल सकते हो। तो दोस्तों अभी आते हैं वारंटी के बारे में। इस प्रोडक्ट में आप लोगों को 1 ईयर की वारंटी दिया जाएगा, आफ्टर परचेस कोई भी इशू आ रहा है देखिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देके रख दूंगा, तो आफ्टर परचेस कोई भी इशू आ रहा है तो वहां पे कॉल करके आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपका घर का एड्रेस एरिया पिन कोड के साथ सही तरीके से बोलने के बाद हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को सर्विस मिल जाए, अगर टेक्नीशियन अवेलेबल ना रहा तो हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए। और दोस्तों आफ्टर वारंटी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इंडक्शन में, अगर आप लोग चाहो तो कस्टमर केयर में कॉल करके भी आप लोग सर्विस कर सकते हो इस प्रोडक्ट की, नहीं तो प्रेस्टीज का जो ऑथोराइज्ड
सेलर है, मतलब प्रेस्टीज का जो प्रोडक्ट सेल करता है, वहां पे भी जाके आप लोग इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। कस्टमर केयर में कॉल करके सर्विस सेंटर के थ्रू अगर आप लोग इसको आफ्टर वारंटी रिपेयर करोगे तो वहां पे सर्विस चार्ज अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और दोस्तों चलते चलते इस प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है, डिस्प्ले में कोड दिखाएगा जैसे E2, E1, E3, E6, ठीक है। तो यूजर मैनुअल कम वारंटी कार्ड में पेज नंबर 22 और 23 में लिख के रखा गया है कि इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मतलब वहां पे देख करके आप लोग इनिशियली पता कर सकोगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो दोस्तों अभी आते हैं कि कौन सा यूटेंसिल्स आप लोग इंडक्शन में यूज कर सकते हो। दोस्तों इंडक्शन फ्रेंडली कोई भी यूटेंसिल्स आप लोग इंडक्शन में यूज कर सकते हो, जैसे नॉन स्टिक के नीचे देखिए ये इंडक्शन प्लेट किया हुआ है, ये इजिली काम में आएगा। अगर ये प्लेट ना रहता तो इसमें काम नहीं करेगा। उसके साथ जैसा कि ये है प्रेस्टीज का तवा, ये तो इजीली काम करेगा क्योंकि इसके नीचे इंडक्शन प्लेट किया हुआ है। आजकल जितने भी ट्राई प्लाई निकल रहे, ट्राई प्लाई, कढ़ाई, तसला, सब इंडक्शन में काम करेगा क्योंकि नीचे बॉटम एकदम फ्लैट है और ये इंडक्शन फ्रेंडली ही है। लेकिन कोई भी ऐसा यूटेंसिल जिसका बॉटम नीचे से ऐसे राउंड किया है वो इसमें काम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बैठेगा ही नहीं। एल्यूमिनियम का कोई प्रोडक्ट इसमें काम में नहीं आएगा, अगर वो एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट में ऐसा बॉटम लगाया हुआ है तब वो काम में आएगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगा। और उसके साथ कास्ट आयरन का कोई भी आइटम जिसका बॉटम एकदम फ्लैट हो वो यूटेंसिल आप लोग इंडक्शन में यूज कर सकते हो। और दोस्तों अभी समय हो चुका है कि मैं इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं। आप लोग एक बार ध्यान से देखने से ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इंडक्शन के कंट्रोल पैनल में यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, उसके बाजू में यहाँ पे दिया गया है मेनू बटन, यहाँ पे अप बटन, यहाँ पे डाउन बटन, जिससे आप लोग वाटेज और डिग्री को कम या ज्यादा कर सकते हो और टाइमिंग को भी। और उसके बाद यहाँ पे ऑटो पीसी मोड, यहाँ पे व्हिसल प्रीसेट और ऊपर में कुछ प्रीसेट ऑप्शन करके रखा गया है पहले से ही, मतलब इसमें कुछ टाइमिंग, वाटेज और टेम्परेचर को फिक्स करके पहले से रखा गया है। अगर आप लोग चाहो तो उसमें आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो अप और डाउन बटन से, ठीक है। तो इंडक्शन को ऑन करने के लिए पहले आप लोगों को ऑन बटन प्रेस करना है, ऑन बटन प्रेस करके मेनू बटन प्रेस करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1000 वाट में अभी ये चल रहा है, यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम 2000 वाट में यूज कर सकते हो और मिनिमम 400 वाट में यूज कर सकते हो। दोस्तों 400 वाट में अगर आप लोग जब इसको यूज करोगे कोई भी आइटम, कोई भी ऑप्शन में, तब क्या होगा कि इंडक्शन थोड़ा खाना को गर्म करेगा उसके बाद छोड़ देगा, फिर से गर्म करेगा उसके बाद छोड़ देगा। अगर 600 ऑप्शन में आप लोग करोगे तो थोड़ा उसके मतलब 400 के मुताबिक ज्यादा टाइम तक गर्म करेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, मतलब छोड़ देगा, फिर से गर्म करेगा उसके बाद छोड़ देगा। अगर 800 में करोगे तो 600 के मुताबिक वो और भी ज्यादा टाइम तक उसको गर्म करेगा, मतलब मेरा कहने का मीनिंग यही है कि 400 में अगर 4 सेकंड गर्म करेगा तो 600 में 6 सेकंड गर्म करेगा और 800 में 8 सेकंड गर्म करेगा। लेकिन उसके बाद आप लोग जब 1000 वाट में इसको यूज करोगे तो ये मतलब वो कंटिन्यूअसली गर्म करता रहेगा। तो दोस्तों ऊपर में यहाँ पे जो प्रीसेट दिया गया है इसको आप लोग मेनू बटन से प्रेस करके एक एक करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट में है प्रेशर कुक, उसके बाद डीप फ्राई, उसके बाद कड़ी, उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद डोसा चपाटी, उसके बाद इडली, उसके बाद हिट मील। इस सब में आप लोग जैसे प्रेशर कुकर में अभी 1000 चल रहे, आप ऊपर नीचे कर सकते हो वाटेज को, ठीक है। डीप फ्राई में यहाँ पे अभी दिखा रहा है डिग्री को, यहाँ पे 240 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोग 80 डिग्री मिनिमम में यूज कर सकते हो और मैक्सिमम में 270 डिग्री तक। और उसके बाद कड़ी ऑप्शन में यहाँ पे वाटेज में ही दिखा रहा है, शॉर्ट में यहाँ पे वाटेज में ही दिखा रहा है, डोसा चपाटी पे ये फिक्स किया गया है, इसमें कोई भी चेंजेस आप लोग कर नहीं सकते। और उसके बाद इडली में यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है, दोस्तों यहाँ पे आप लोग मिनिमम 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 3 घंटा तक यूज कर सकते हो, ठीक है। एक एक करके अगर आप लोग प्रेस करोगे तो एक मिनट करके चेंज होगा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर आप लोग इसको प्रेस करके रखोगे तो 10 सेकंड करके इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और उसके बाद यहाँ पे हीट मिल्क में भी टाइमिंग यहाँ पे देके रखा है। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा 1 मिनट टाइमिंग देके इसको दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं इसको इडली ऑप्शन में 1 मिनट में रख रहा हूँ, 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली कीप वार्म कंडीशन में चला जाएगा। इसको मैं ढक दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट व्हिसल काउंट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसको निकाल देता हूँ, देखिए ये ऑटो ऑप्शन में चला गया है, ठीक है, मतलब ये अभी
इसको कीप वार्म कंडीशन में चला गया है, ये अभी 60 से 70 डिग्री तक इसको गर्म करता रहेगा धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कोई भी इंडक्शन फ्रेंडली प्रेशर कुकर इंडक्शन के ऊपर यूज कर सकते हो। प्रेशर कुकर की एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोग प्रेशर कुकर में खाना कुक करोगे, गैस में करो या इंडक्शन में करो, हमेशा आप लोग वेंट, इसको कहा जाता है वेंट वेट और इसको कहा जाता है वेंट ट्यूब, वेंट वेट निकाल के ही आप लोग प्रेशर कुकर को गैस में रखोगे या इंडक्शन में रखोगे। गैस या इंडक्शन ऑन करने के बाद जब तक इसके अंदर से मतलब वेंट ट्यूब के अंदर से वेपर बाहर ना आए तब तक आप लोग ये सीटी मतलब ये वेंट वेट को इसके ऊपर रखिएगा मत, ठीक है, क्योंकि अंदर पे ऑलरेडी हवा है और उसके ऊपर नीचे से प्रेशर जनरेट हो रहा है, तब क्या होता है कि खाना पकने से पहले इसमें सीटी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी का कंप्लेंट रहता है, मैंने तो सीटी दिया था खाना अभी तक पका नहीं, यही कारण है कि पहले सीटी आ जाता है लेकिन खाना पकता नहीं है। दोस्तों अभी प्रेशर कुकर व्हिसल कैसे काम करते हैं ये आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ऑन करके यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे 01 दिखा रहा है, मतलब एक व्हिसल, देखिए सेम स्विच को आपको सेवरल टाइम प्रेस करना है, यहाँ पे मैक्सिमम 15 व्हिसल और मिनिमम एक व्हिसल फिट कर सकते हो। इसको मैं एक व्हिसल तक इसको फिट करके रख दे रहा हूँ। दोस्तों इस ऑप्शन में यहाँ पे वाटेज और टेम्परेचर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये हो सकता है शायद मतलब 1000 वाट से 2000 वाट के बीच में ही इसको कुक करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से वेपर निकलना शुरू हो गया है, इसको मैं अभी करता हूँ बंद, देखिए अभी सीटी आएगा और ये बंद हो जाएगा, देखिए देखिए अभी ये ऑटो में चला गया है, मतलब कीप वार्म कंडीशन में चला गया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दूं, सीटी ये काउंट करेगा मिनिमम 3 सेकंड तक सीटी होना चाहिए, 3 सेकंड के नीचे अगर सीटी आएगा तो ये काउंट नहीं करेगा। कुछ भी ऑप्शन में अगर आप लोग जाओगे ऑफ करने के लिए आपको ऑन ऑफ बटन ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इंडियन फूड ऑप्शन दिया गया है, मतलब इंडियन फूड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ मेनू रखा गया है, जैसे यहाँ पे राइस सांबर राजमा खिचड़ी पुलाव चिकन मीट ऑन डिमांड। यहाँ पे ऑन डिमांड मतलब कोई डिश नहीं है, ऑन डिमांड मतलब इसमें आप लोग फेर बदल कर सकते हो के टाइमिंग को कम या ज्यादा, बाकी कुछ में आप कुछ भी कर नहीं सकते। ऑटो पीसी मोड को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है लाइट, ब्लिंक होने के बाद ये अगर बंद हो जाएगा तो ये फिक्स्ड हो गया है, ये अभी चेंजेस आप लोग इसमें कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आप लोग कैंसिल करना चाहोगे तो फिर से ऑन ऑफ बटन प्रेस करके इसको कैंसिल करना है, जैसे फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसको करता हूँ मैं ऑन, यहाँ पे देखिए सेम बटन को प्रेस करके आप लोग एक एक इंडियन डिश यहाँ पे जो दिया गया है उसमें जाके खाना कुक कर सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ प्रेशर कुकर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, प्रेशर कुकर अगर आप लोग यूज नहीं करोगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, काम में आएगा लेकिन प्रेशर कुकर के व्हिसल के बाद ही ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा, मतलब क्योंकि प्रेशर कुकर के व्हिसल काउंट करके उसका जो टाइमिंग वहां पे फिक्स किया गया है प्रीसेट में वो धीरे 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 घटता जाएगा व्हिसल पड़ने के बाद। तो इसको ऑन करके मैं अभी आता हूँ राइस ऑप्शन में, राइस ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 5 बार ब्लिंक करेगा फिर से फिक्स्ड हो जाएगा, अभी यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट मतलब इस ऑप्शन में आप लोग कैसे खाना बना सकते हो वो यहाँ पे मैनुअल पे डिटेल में लिख के रखा गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि राइस ऑप्शन में अभी यहाँ पे 5 दिखा रहे, मतलब ये अभी 5 मिनट काउंट नहीं करेगा, ये काउंट करेगा तब जब प्रेशर कुकर में एक व्हिसल आएगा, एक व्हिसल के बाद ही इसमें ऑटोमेटिकली 5 मिनट से 4, 4 मिनट से 3 यहाँ पे देखिए आप लोग। इस ऑप्शन में अगर आप लोग प्रेशर कुकर छोड़ के दूसरा कोई भी बर्तन यूज करोगे तो खाना तो आप लोग बना सकते हो लेकिन वहां पे ये ऑप्शन का जो ऑटोमेटिकली टाइम रिड्यूस होने का यहाँ पे सिस्टम दिया गया है वो नहीं होगा। देखिए अभी सीटी आने वाला है और यहाँ पे अभी यहाँ पे टाइमिंग काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब तक तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 मिनट पहले से था, अभी 4-5 मिनट हो गया है फिर भी 5 मिनट ही दिखा रहा है, अभी देखिए एक मिनट बाद देखिए यहाँ पे टाइमिंग धीरे धीरे घटता रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 हो चुका है, मतलब ये अभी टाइम इसका धीरे धीरे घट रहा है, तो इसको मैं अभी करता हूँ ऑफ, बर्तन लिफ्ट करने से ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, E0 दिखा रहा है, मतलब
एम्प्टी है, ऊपर में कोई बर्तन नहीं है। इसको बिठाने से ये फिर से वर्किंग कंडीशन में आ जा रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं रखता हूँ नीचे तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंडक्शन ऑफ हो जाएगा। देखिए ये बंद हो गया है कि पीछे यहाँ पे जो फैन दिया गया है, देखिए ये फैन अभी घूम रहा है। जब तक ये फैन बंद ना हो तब तक आप प्लग ऑफ मत कीजिएगा, प्लग को निकालिएगा मत। और दोस्तों इंडक्शन को क्लीन करने के लिए जो ग्लास सर्व करने वाला लिक्विड रहता है उससे आप लोग इंडक्शन क्लीन कर सकते हो। इंडक्शन के ऊपर देके एक नरम कोई क्लॉथ लेके आप लोग इसको इजीली क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों प्रोडक्ट तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। प्रोडक्ट का परचेस लिंक जैसे कि मैंने कहा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ के रखा है, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई भी पॉइंट मेरे से छूट गया है तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सही आंसर देने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।